हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई यार, आज हम लोग एक बार फिर खेलने जा रहे हैं स्पेस गैंगस्टर 2। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों को हमारे दोस्तों ने धोखा दिया था। भाई वही वाला जो एलियन फ्रेंड है, तो आज हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। मतलब भाई उसको तो मार सकते नहीं, तो उसका उसने कुछ तो करना पड़ेगा। भाई उसने हमको बुलाया और बुला कर 5-स्टार रेटिंग की पुलिस लगा दी। तो हम उसी के लिए किसी बंदे को मिलने जा रहे हैं। मतलब भाई वो कोई बंदा नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। मतलब भाई बहुत मुश्किल से बात करेगा। फिलहाल तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, और भाई बीच में मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था, और सामने भी हमें वो बंदा मिल गया है। चलते उसके पास और मिलते हैं उससे, और भाई पूछते हैं उससे क्या होता है। पर भाई पहले सुन ले, तुम्हारे भाई सुन ले। ओ भैया, अरे ओ चिच्चा, अगर तुम्हें उस आदमी से बचना है तो मैं तुम्हें जो वहाँ बताऊँगा वहाँ जाकर मैं भी बोलूँगा वो काम करना होगा, तभी तुम उस आदमी से बच सकते। मतलब भाई हम लोगों को बता दिया है कि अब क्या करना है, तो हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ से और वहीं मिलते हैं आप लोगों से वीडियो को स्किप करके। तो भाई हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मतलब भाई हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जाकर जो इस सिटी का जो भाई गॉड है उससे बात करनी है, और वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। फिलहाल तो हम इस सामने वाले कांच के जो भी बना हुआ है इसके ऊपर चढ़ते हैं, और यहीं जाकर हमें उससे बात करनी होगी। और उस बंदे ने सब सीरिंग करा दिए, तो भाई वो सीधा आएंगे और हमसे बात कर देंगे। तो भाई आ जाओ भैया, आ गए भाई भाई, बस भाई बात। भाई मैंने उनसे बात कर ली, और उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोगों को 3 जिंदे इंसानों को इस समुद्र में डालना होगा। मतलब भाई ये जो पूरा समुद्र आप लोगों को दिख रहा है सामने, इसमें डालना होगा। और भाई मारे बिना तो डाल नहीं सकते, गाड़ी फेंकेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए हमको हमारी जो गन है हमारे पास उसका इस्तेमाल करना होगा। और फिलहाल तो हम लोग गाड़ी यहाँ पर पीछे खड़ी कर देते हैं, बीच में ही करेंगे भाई, ताकि तीनों को डाल निकल जाए यहाँ से। पहले तो भाई सामने जो दिख रहा है इसको डालेंगे। भाई इन सभी बंदों को अंदर डालना शुरू करते हैं। इस बंदूक से हम लोग इनको उड़ाएंगे, और उड़ा के सीधा अंदर डाल देंगे इनको। भाई इनके साथ जाना पड़ेगा हम लोगों को। चलते हैं भाई पहला बंदा लेके, और ये पहला बंदा गया पानी में। मतलब भाई हम लोगों को दौड़ ले जाने हैं। पहला तो भाई इसका ये भी फोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तभी नीचे गिरेगा और अंदर जाकर डूब के मर जाएगा। भाई यार फिलहाल को हम लोग दूसरा बंदा भी लेके जाने वाले हैं। इसको पकड़ लिया और इसको लेकर सीधा चलते हैं नीचे, और इसके बाद तीसरा बंदा भी ले जाएंगे। और इन तीनों को मारने के बाद हम लोग को एक दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रेयर जगह है सिटी की। मतलब भाई कोई आम बंदा वहाँ जा ही नहीं सकता है, हम लोगों को वहाँ जाना है, और वहाँ से हमें जो चीज़ मिलेगी उससे ही हमारी मदद होगी। बट भाई वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि उससे क्या होगा। फिलहाल तो हम लोग एक और बंदे को डालते हैं यहाँ पर, और भाई ये उठा लिया, चलो इसको लेके चलते हैं। और भैया पीछे से कोई तो गोली मार रहा है। नहीं भाई उस बंदे को छोड़ो, इसको ले चलो, ये ज़्यादा ही शाना बंदा है। चलो भाई इसको लेकर चलते हैं नीचे, और फिर देखते हैं क्या होता है। और अब ये काम करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा उस जगह पर भाई, और हमारी कार भी वहीं खड़ी हुई है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिलहाल तो चलते हैं यहाँ से इस बंदे का ये बलून फोड़ के चलते हैं ऊपर वहाँ से, और जो भी मिलेगा उसको लेकर चलते हैं हम लोगों को जहाँ जाना है भाई। और भाई ये बंदा हमारी कार चुरा ले गया। अरे भैया इस सिटी में भी चोर होते हैं क्या? तो भाई वो हमारी कार हमने यहाँ पे खड़ी की थी, और वो बंदा ले गया। और वैसे भाई हमें कार की ज़रूरत नहीं थी, हमें अब यहाँ से अपना खुद का हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। मतलब भाई हमारा खुद का नहीं, वो सिटी का है, लेकिन जो कि ये सिटी हमारी है, तो इसके अंदर की सभी चीज़ें भी हमारी होंगी। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, और वहाँ से उस हेलीकॉप्टर को लेकर निकलते हैं। भाई हेलीकॉप्टर लेने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ऊपर कूदना है और सीधा हेलीकॉप्टर के सेलिब्रेट पे आ जाना है। और यहाँ से भाई हेलीकॉप्टर लेकर मैं निकल गया, और भाई यहाँ पर हम लोगों को आना था। ये जो 3 पोर्टल टाइप के हैं, हम लोगों को इन तीनों में से बीच वाले पोर्टल के बीच में बीच जाना है, और वहाँ जाने के बाद भाई आग लगानी है हमको। मतलब भाई हवन करना है एक तरीके से, और फिर हमें कुछ ऐसी पावर मिलेगी या कोई सामान मिलेगा जिससे हमारी मदद हो जाए। तो भाई हम लोगों ने आग लगा दी, और यहाँ कुछ करते हैं। और भाई ये क्या, भाई हमारे पास में एक ऐसी बोतल आ गई है जिसको अगर मैं उस बंदे के ऊपर फेंकूँगा तो उसकी याददाश्त चली जाएगी। मतलब भाई वो भूल जाएगा कि हमारा दुश्मन है, और फिर वो हमारा सिर्फ गुलाम बन के रह जाएगा। और ये बोतल मार दी, ये बंदा टपक गया। यहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं, ये एलियन है तो वापस आ जाएगा जिंदा होके। तो भाई देखते हैं क्या होगा। और भैया ये बंदा लिटरली भूल गया होगा हम लोगों को। हाँ भाई बिल्कुल ये हम लोगों को भूल गया है, और अब ये हमेशा के लिए हमारा गुलाम रखेगा रहेगा। मतलब भाई सब भी टेंशन ख़त्म।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी यहाँ तक देखा है तो।